करता हूं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णो गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म दसमे श्री गुरु वै आज हम बात करेंगे संस्कृत में कृषि शास्त्रों की हमने पूर्व में वृक्षायुर्वेद पर बात की संस्कृत का एक दूसरा जीवनोपयोगी विषय कृषि है और कृषि तो सबका जीवनाधार है यदि कृषि ना हो क्या हो जाए कृषि हम लोगों के लिए और हम पर निर्भर रहने वाले दूसरे प्राणियों के लिए कर्ण मण सबके लिए प्राण है प्राण देने वाला है हर कण प्राण देने वाला है ऐसा कण कैसे पैदा हो और इसकी खोज कैसे हुई ज्ञान ऋषियों ने हमें दिया कितने प्रकार के अनाज हम लोगों के पास मूल है ये वर्ष जब मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है मोटे धान के लिए तो मुझे याद आता है कि भारतीयों के पास कौन कौन से वे धान्य थे जिनको ऋषियों ने ऋषि धान्य कहा ऋषिकाओं ने ऋषि धान्य कहा लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह थी हमारे पास कि कृषि और उसका एक शास्त्र हमारे यहां जो ऋषि पंचमी आती है मैं उसे तो कृषि पंच में कहता हूं इसलिए कहता हूं कि संसार में ये वो दिन है जब महिलाओं ने जो खेती का दिन था और जिसमें वो ऐसी ही खेती करती थी उसके बजाय खेती में आयुध के रूप में की एक विधि जुदाई की एक विधि लोहे का प्रयोग ये सब शुरू हुआ उस स्मृति का दिवस है ऋषि पंचमी आप देखिएगा उस दिन ऋषियों की पूजा होती है उनकी मिट्टी से छोटे छोटे से प्रतीक बनाए जाते हैं और उनको कपास के फूल धारण करवाए जाते हैं यानी रुई ताकि ऋषि ऋषि नजर आए ऐसे ज्ञान या ऐसे सब लोगों के लिए जन सामान्य के लिए जो कृषि है कृषि की अनुमति किस किस को है ये जीविका कृषि एक जीविका है इसकी अनुमति किस किस को है चारों वर्गों में से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सबको कृषि की अनुमति दी गई है यानी एक ऐसा ये व्यवसाय है मैं तो कृषि को संस्था भी कहता हूं कृषि को यज्ञ भी कहता हूं मैं क्या सब लोगों ने कृषि को यज्ञ क्या यजुर्वेद और अथर्वेद एक कृषि की परंपरा हम लोगों को ऐसी देते हैं जो ग्रह कारिका के रस्ते अनेक ऋषियों के नाम से ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि काश्यप जिससे ये प्रजा ये ष्ठी काश्यपी ष्टी कही जाती है उनके नाम का हम लोगों को पहला ग्रंथ मिलता है जिसकी हमने चर्चा की थी काश्यप काश्यपीय कृषि पद्धति की काश्यपीय कृषि पद्धति हम लोगों को यह बताती है कि संसार में सब काम बाद में पहले कृषि हो जो किनाश यानी किसान हैं वो सबको अन्न देने वाले दाता हैं उनके अधिकारों उनकी मर्यादाओं उनके अहदों की सुरक्षा और उनके लिए बीज गुण जल और पानी इन सब की समय समय पर व्यवस्था करना उनकी व्यवस्था का दायित्व तो देवताओं ने इंद्र को दिया है तो राजा ने कुएं बावड़ी सरोवर सर नदिया नद तालाब तड़ाग कई रूपों में हम लोगों ने कुआ कुई, जिसको मराठी में कितना बड़ा काम एक दायित्व सबको दिया पानी बचा रहे पानी बचा पानी पर भी हम जल शास्त्र पर कभी एक बात करेंगे क्योंकि पानी का भी एक बड़ा शास्त्र विधान संस्कृत में है हम आज खेती बाड़ी की बात तो कश्यप ने जिनसे काश्यपी तो ऋषियों ने कश्यप के नाम से ही कृषि पद्धति की शुरुआत की कृषि को या कृषि को हाँकने, जोतने मंडई निरई गुड़ई सब कामों के लिए बेलों का प्रयोग होता है खेती के लिए कैसे बेल हो बेलों के अपने पर्व महाराष्ट्र में पोला हमारे यहां खेकरा ब्रज तक खेकरा यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन है नव वर्ष उसको हम लोग लगुड़ प्रतिपदा लकड़ी हाथ में देके उस ग्वाले को तैयार करना जो कृषि के लिए या सांडों को हांकने का काम कर सके सिंधु घाटी से लेके आज तक हमारे समाज में वृषभ बल की बड़ी महत्ता रही है तो वो खेती के लिए कैसे काम आए और इन सब का एक सुंदर सम्यक अध्ययन वो पराशर ने किया ऋषि पराशर और ऋषि पराशर का जो ग्रंथ है वो हम लोगों के बीच कृषि पराशर के रूप में सामने आता है जिसको हमने बृहद कृषि पराशर के नाम से तैयार किया पराशर एक ज्ञान के बड़े स्कूल के रूप में संस्कृत में सामने आते हैं महाभारत में उनका स्मरण जिस रूप में हुआ बाद में पराशर संहिता विषय के निष्णात या बल्कि प्रवक्ता हो के सामने आते हैं पराशर स्कूल के हूं मैं जिसमें एक विद्या को जाना जाता है तो दूसरी विद्या सामने आती है पराशर का जो अपना तंत्र विधान है जिसको तकनीक कहता हूं मैं पराशर तकनीक उसमें ऐसा कोई विषय बाकी नहीं बचता है जिन मित्रों ने वराहमिहिर की बृहद संहिता और समाज संहिता समाज संहिता तो अभी आनी बाकी है हमने ही तैयार की है उसको पूरी ग्यारहवीं शताब्दी के बाद उसकी पांडुलिप भारत में नहीं मिलती है लेकिन कैसे उस समाज संहिता क्योंकि वराहमिहिर के ऐसे ग्रंथ हैं जो लघु संहिता यानी समाज संहिता बृहद संहिता लघु यात्रा बृहद यात्रा लघु जातक बृहद जातक ऐसे ग्रंथों के नाम हैं तो जब बृहद संहिता थी तो हम लोगों ने कहा कि लघु संहिता भी होनी चाहिए और उसके श्लोक मिले एक काम शुरू हुआ और उस ग्रंथ का संपादन हुआ आप देखिए सभी ग्रंथों में कृषि की कितनी महत्ता लेकिन बार बार वरामेहर जिस ज्ञान पर या जिन पर डिपेंड है उनमें दो ही नाम है गर्ग और पराशर उसमें यह पराशर जो कृषि गाय बेल हल लोहा और खास तौर से कृषि के लिए सबसे परम आवश्यक वृष्टि विज्ञान के अध्ययता है उनका नाम है हली पराशर और ये इनाम हमें स्वयं पराशर देते हैं मैं हली पराशर इस ग्रंथ का तो वो और यही श्लोक बहुत सारे उसमें में जो एक हजार पंद्रह के बाद की रचना है इस से वो हम लोगों को ज्ञान मार्ग प्रशस्त करती है राजमारतंड कृति कि पराशर कृषि के बड़ बड़े देवता बड़े ऋषि बड़े अध्ययता बड़े वैज्ञानिक और वो ग्रंथ हम लोगों को मिलता है कि उसके लिए वृष्टि हमें आश्चर्य होगा कि कृषि की खोज का श्रेय महिलाओं को है आदमी तो पहले भी घूमता फिरता था यायावर हमारे यहां उसको घुमक्कड़ कहते हैं रोड़ेल कहते हैं घूमता रहता है महिलाएं अपनी गुफा के आसपास इस बात का ध्यान रखती थी कि कब किस पौधे पर फूल आ रहा है कब कौन सा पौधा सूख रहा है कब उस पौधे पर बीज आ रहा है कब वो बीज नीचे गिर रहा है कब अंकुरित हो रहा है इन सब क्रियाओं को उन्होंने सत्ताईस चरणों में देखा हमें आश्चर्य होगा ये सत्ताईस जो चरण हैं वो सारी की सारी कृषि और उससे जुड़ी हुई जो हमारी अर्थव्यवस्था हमारी जीवनचर्या है वो उन सत्ताईस क्रियाओं में आ जाती है और ये सत्ताईस चरण नक्षत्रों के रूप में उन महिलाओं के नामकरण के लिए ज्योतिष कभी आप देखिए अश्विनी से लेके भरणी कृतिका और आप देखिए कि मूल पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा कितने सत्ताईस एक अभिजीत कौर जोड़े तो हो जाता। आप देखिए सारे के सारे ग्रंथ और सारे के सारे ये ग्रंथ में आए हुए नक्षत्र ज्योतिष के हमें ये अनुमति हमें ये आज्ञा हमें ये प्रेरणा देते हैं किस दिन कौन सा काम किया जाए तो वो खेती के लिए बीज का चयन कब हो कब उनको सुखाया जाए कब उसको संग्रहित किया जाए कब उसको उसके फल में ही यानी वो जो कोश है सूखा हुआ फल को कोश कहते हैं संस्कृत में कोश में तलवार की म्यान को भी कहते हैं खजाने को भी कहते हैं जिसमें कोई चीज आ जाए तो वो बीज कोश उसमें कब तक सूखेगा कब उस, उसको बाहर निकाला जाए वो उसमें है तो सुरक्षित है उसके लिए माँ की कोख है सुरक्षित बाहर आ गया तो उसको कैसे सुखाया जाए चाणक्य यदि ये, ये आज्ञा देते हैं कि बीज के जो मूल रूप है उसकी हर तरह से सुरक्षा की जाए बीजों को संकर नहीं किया जाए संकर एक अलग प्रक्रिया जिसमें आज हम लोग उसके परिणाम भोग रहे हैं संस्कृत में इस तरह की अनुमति कहाँ है संस्कृत तो संस्कृत है जिस विज्ञान को विभिन्न तरह से साफ स्वच्छ निर्मल बल्कि तड़का लगा के ज्ञान का तड़का लगा के चैतन्य का तड़का लगा के जिसको परिमार्जित किया जाए सुसंस्कृत किया जाए संस्कारित किया जाए संस्कृत ऐसा ज्ञान संस्कृत में उन महिलाओं ने जिन्होंने खेती की बीज शुरू किए बीजों की बुवाई किस दिन बुवाई मूल नक्षत्र कौन से हैं मूल के लिए कौन से नक्षत्र है सारे अधोमुखी नक्षत्र अंकुरण के लिए दापे के लिए कटाई के लिए वो सारी क्रियाएं सब नक्षत्रों के नाम बढ़ी ये जो नक्षत्र वाला जो कृषि कैलेंडर है कृषि पंचांग है पूरा का पूरा पंचांग हम लोगों के लिए पराशर उपलब्ध करवाते हैं महिलाएं ये भी ध्यान रखती थी कि इस दिन उसने आसमान में गर्भ देखा है गर्भ संभावनाएं हैं जो पावस की संभावनाएं हैं वर्षा की वर्षा काल की संभावनाएं लेकर सर्दी में शीत ऋतु में किस दिन उसने बादल देखा वो गणना कर दी है कि उसने इस दिन बादल देखा तो वो किस दिन बरसेगा कितना बरसेगा कहा बरसेगा क्या प्रमाण रहेगा संपूर्ण रूप से एक पंचांग हमको पराशर देते हैं बीजों की बुआई, कटाई, सुखाई लुणई बिनाई पुणई सारी जो क्रियाएं हैं सारी की सारी और उसके लिए वो कैसा खेती में वर्षा का ज्ञान रखेगा वर्षा कब होती है किस नक्षत्र में गर्भ बना किस महीने में किस नक्षत्र में किस तिथि को कितने दिन बाद क्या गणना है उस दौर में इन विद्वानों ने किया और यह ज्ञान संस्कृत के जरिए संस्कृत जो संपर्क भाषा एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक संस्कृत जो सबके समझ में आने वाली भाषा संस्कृत जो देव भाषा संस्कृत जो जन भाषा इसीलिए है कि जो जनता के पास व्यवहार में था वो वापस दूसरी जनता के व्यवहार में बना रहे यह व्यवहारिक शास्त्र संस्कृत के प्रायोगिक शास्त्र संस्कृत ये हम लोगों के पास आप देखिए वर्षा के बाद वो तो खेती में कितनी उपज होगी यदि कोई बीमारी लगी है तो उसका उपचार कैसे होगा सूख रही है समय पर उसका कैसा पानी दिया जाएगा कितना पानी दिया जाएगा पानी से उस पेड़ पर उस पौधे पर खास तौर से फसल वाले और कौन कौन सी फसलें हैं ये चौदह प्रकार के ऋषि धान्य कौन कौन से हैं? हमें ताजुब होता है हम प्रत्येक पूजा अनुष्ठान में जो थाल सजा के लाते हैं उसमें सब्त धान्य होते हैं हेमाद्री है धान्य की कितनी सुंदर परिभाषा करते हैं षट मत से व्रत खंड देखिए आप देखिए वहां तक आते आते ये जो सप्त धान्य है सारे के सारे भारतीय हैं उसमें मक्का नहीं है मूंगफली नहीं है मिर्ची ये वाली नहीं है नमक जो आजकल हम खा रहे हैं वो नहीं है उसमें वो नमक जो सेंधव है भारतीय वो धनिया जो भारतीय है वो अक्षत जो भारतीय है वो गेहूं जो भारतीय है, वो मूंग और वो गुड़ एक वाले एक भारत का पहला उत्पादन जो यूनान के जरिए पूरी दुनिया में फैल गया ये सारे के सारे हम लोग गुड़ जो भी कुछ अपन लाते हैं सब चीजें वही हैं जो भारतीय तब हम लोगों को पता रखना चाहिए ये सब के सब धान्य ऋषि धान्य क्यों है सामा सावा जो बिना जोते ही बिना हाके ही जिसमें हल्का प्रयोग नहीं उगने वाला ऋषि धान्य क्यों है सम्रांगण सूत्रधार और वायु पुराण का सर देवा अधिकार हम लोगों को क्या प्रेरणा दे रहा है सावा धान्य के लिए जिसको हम शामक कहते हैं जिसको खाने से हमारा व्रत भंग नहीं होता है क्यों ये सारी की सारी जो बातें हैं ये सारे सारे धान्य धान्य को किस प्रकार निकाला जाएगा बेलों को कैसे हाका जाएगा बे लोगों कैसे जोता जाएगा उनके मुंह बंद होंगे कि नहीं उसको कैसे हवा के चलने पर कण अलग किए जाएंगे सारी क्रियाएं कृषि की दामर कैसे लगेगा धान बिछा दिया है नीचे गेहूं जैसा चने जैसा चना जो बड़ा पुराना धान मुझे तो चना याद आते ही आगे बोल ही नहीं पाते हैं क्योंकि सारी मिठाइयां चने से बेसन यदि हम लोगों को नहीं मिलता भारतीय, ये उत्पादन भी है। इतनी महिमा बेसन नहीं मिलता तो हम लोग कुछ नहीं बना पाते सारी महिमा वो दाल से द्विदल से जिसमें दो दल हाल द्विदल ये कलायक एक एक वस्तु का नाम कितने दिन में पकेगी कितना अध्ययन उनके बीज उनके बीजों का जो पैमाना है जैसे गुंजा है एक तो गुंजा मानक माना गया है रत्ती आज भी उसका तोल नहीं बदलता है ऐसे सुंदर प्रमाणों के साथ ये ग्रंथ हम लोगों को संस्कृत में मिल जाते हैं इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं वो है बृहस्पति और दूसरा एक ग्रंथ है कृषि काम इनमें भी कृषि से संबंधित बहुत सुंदर बातें हम लोगों को मिल जाती है और यह बातें हमें बताती है कि किस नक्षत्र में खेत को जोता जाए किस नक्षत्र में बीज वपन हो वपन क्रिया किस नक्षत्र में वो अंकुरित होंगे कितने होंगे किस नक्षत्र में बोने से चूहे तो नहीं खा जाएंगे कबूतर तो नहीं पड़ जाएंगे कीड़े ऐसे कई सारी संभावनाएं देख देख के वो इतनी सावधानी क्योंकि उस जमाने में बीज बड़ा कठिन था आपस में बीज देते लेते नहीं थे बीज को संभाल राजा उपलब्ध करवाता था आज भी ऐसे ही होता है लेकिन उस दौर में तो बहुत कठिन था थे ही नहीं तो सारी संभावनाएं आशंकाओं के मद्देनजर छह प्रकार की नीतियां जो थी अकाल वृष्टि या अनावृष्टि राज को आक्रमण कोई महामारी आ जाना और चीटियां यानी कि वो मटी जिसको छतपथ ब्राह्मण में कहा है टिड्डी टिड्डी दलों का यहाँ आ जाना इतने सारे खतरों से हम लोग किसी बीज को कण को बचाते थे और लोगों को देते थे इसलिए सबसे बड़ा दाता किसान और उसके लिए उसकी परम सहयोगी बेल बेलों की कितनी महिमा बेलों के लिए मनाए जाने वाले पर्व उत्सव त्योहार बेल कैसे से प्रसन्न रह सकते हैं बेल को खुजलाने से कितनी इनको खुजली चलती होगी क्या फल मिलता है यदि उनको जो यने जो शब्द है खुजली करना बेल आपका हो जाए बेल आगे ही नहीं जाए खुजली हो रही यदि आपने उसको खुजाल दिया ऐसे पुण्य प्रसंग इन ग्रंथों में हम लोगों को मिलते हैं सेवा के कितना बड़ा धंधा कितना बड़ा उद्यम हम लोगों के पास जिसकी अनुमति बृहस्पति करते हैं बृहस्पति और इंद्र संवाद के रूप में में लिखा गया हमें ये आश्चर्य होगा ये सब ग्रंथ अलग अलग पांडुलिपियों के रूप में थे सबसे हमने पांडुलिपियां प्राप्त की जगह जगह ग्रंथ भंडारों से आपके बॉम्बे में जो यूनिवर्सिटी है उसका भी अपना ग्रंथ भंडार बोरी है भंडारकर ऑरियंटल इंस्टीट्यूट पुणे कराड़ में है और भी जगह छत्रपति महाराजा शिवाजी पूरा वस्तु संग्रहालय या बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे ब्रांच वाली और आजकल तो वो अलग ही हो गई है लेकिन कलकत्ता वाली सोसाइटी सब तरफ ये ऐसे वैज्ञानिक विषयों पर आधारित संस्कृत के उपलब्ध हैं लेकिन उनकी ध्यान। हम लोग संस्कृत को केवल डिग्री करने तक डिप्लोमा करने तक रोजगार मिलने तक देख लेते हैं मैं तो संस्कृत पढ़ा भी नहीं लेकिन कैसे इन पांडुलिपियों के संपादन के लिए एक प्रण किया मेरे देश के पास यदि ज्ञान है तो हम लोगों को आगे आना चाहिए इसी क्रम में जो बिखरे बिखरे कई सारे विषय थे क्योंकि जब मैं कृत्य कल्पतरु में एक श्लोक देख रहा था तो उसमें था कि जो व्यक्ति सस्य वेद का दान करता है उसके अनाज के भंडार भरे रहते हैं इस एक श्लोक पर जब मैं कुर्बान मुझे लगता है कि मुझे इस पर बलिहारी जाना चाहिए एक ग्रंथ तैयार किया सस्य वेद भारत के पास सचेद किसी जमाने में पांडुलिपि रही होगी तभी कृत्य कल्प लक्ष्मीधर और हेमाद्री भी इसका उल्लेख करते हैं पांडुलिपि कहाँ है ग्रंथ कहाँ है इसमें कौन कौन से विषय रहे होंगे तब सर्वाधिक विषय और बिखरे बिखरे श्लोक सबको एकत्रित करके इस ग्रंथ को तैयार किया तैयार हुए मुझे लगता है संस्कृत के पास प्रायोगिक विषय के रूप में कृषि के ग्रंथ है छोटे हैं बड़े नहीं क्योंकि प्रायोगिक विषय बता दिया जाता है इस दिन ये करना है बाकी करने की विधि तो किसान जानता है उसको सब आता है अनपढ़ नहीं है और अब जब किसान सब पढ़े लिखे हैं तब केवल इस ज्ञान को उनके बीच प्रसारित करने की आवश्यकता है वो कैसे फसलों को अच्छी पैदावार के रूप में स्वस्थ पैदावार के रूप में बिना कीटनाशकों के प्रयोग के भारतीय समाज को विश्व या बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए उत्पन्न कर सकता है भारत के पास इस ज्ञान से हम वो पा सकते हैं जो दुनिया नहीं पा सकती लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए इस ज्ञान की तरफ दुनिया भर की नजर लगी हुई है हमारी तरफ से कहीं उपेक्षित न रह जाए क्योंकि कृषि सबसे बड़ी जीविका है और इससे जुड़ के हम कभी नुकसान में नहीं रहेंगे कृषि अब भाग्य के भरोसे नहीं होगी अब बादल भी समय पर आ रहे हैं और पानी का भी हम कृत्रिम प्रबंधन भी कर सकते हैं बस हमारे संकल्प हो संस्कृत में जो ज्ञान है वो हम प्रायोगिक या बल्कि व्यावहारिक जीवन में काम में लाए आपका बहुत बहुत धन्यवाद